लोगों को बताने के अनुसार उस पार 40 रुपये फीट का बालू मिलता है और पुल बस पार करा देते हैं लोग तो इधर 100 रुपये का हो जाता है, 100, 120, जो डिफ्रिएशन है वो 60 रुपये का आता है। और ये विचारणीय विषय है कि इस ज़िले की जनता बहुत ही परेशान है इस संबंध को लेकर के कि बालू इतना महंगा हो गया, कैसे घर बनाया जाए या कोई भी कार्य क्या किया, और यहाँ चारों तरफ पुल की वजह से ऐसी समस्या उत्पन्न है। नहीं, बहुत कोई रास्ता नहीं है ना, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प है जमनिया पुल, वो भी बंद है। अब वो किस कारण बंद है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मैंने इस संबंध में DM साहब से वार्ता की थी, मैं कहा कि जनपद की जनता परेशान है, अगर NHAI वालों ने इस पर दिया है कि नहीं, इस पर अगर पुल ट्रैक्टर नहीं चल सकता है या ट्रॉली नहीं चल सकती है तो कम से कम जमनिया से चलवा देवें जिससे जनता को कुछ राहत मिल जाए। ये कालाबाजारी है, जो 60 रुपये का अंतराल है इसमें सारे लोग का प्रॉफिट है, बिचौलियों का प्रॉफिट है, जो ढो रहे हैं उनका प्रॉफिट है, और सारे लोग को इंकित करना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस पर DM साहब विचार करें और पुनः इसको इस पर विचार करते हुए इसको खुलवाने का कष्ट करें। अभी जो NHAI ने हमें रिकमेंडेशन भेजी है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि साहब सारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज को परमिट कर दिया जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली से अब पुल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो NHAI की रिकमेंडेशंस को देखते हुए मैंने सारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज को परमिट कर दिया है कल से। अब हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि हाइट गेज बैरियर्स NHAI लगवा दे और वहाँ CCTV कैमरे इंस्टॉल करने की भी व्यवस्था बना रहे हैं, जिससे जो केंद्रीय मोटर या नियमावली के तहत गाड़ी की सर्वोच्च हाइट है मैक्सिमम हाइट के मुताबिक हम वहाँ हाइट गेज बैरियर लगा दें, जिससे उस हाइट गेज बैरियर से वो सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर सकें जो ओवरलोडेड ना हो। यदि कोई ओवरलोडेड गाड़ी होगी तो स्वाभाविक है उसकी हाइट उससे ज़्यादा होगी और फिर उन गाड़ियों के लिए परेशानी आएगी। बट उसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, जितने भी ट्रैफिक गाड़ियाँ हैं या फिर जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं या फिर छोटे वाहन हैं वो सब निकल सकेंगे आसानी से और फिर यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर पिछली बार 30 टन जो है एक मानक बनाई गई थी, तो इस बार जो ट्रैक्टर ट्रॉली है तो उसमें क्या कितना मानक बनाया गया है जो आवागमन कर सकते हैं? ट्रैक्टर ट्रॉली की एक फिक्स लंबाई और ऊंचाई है और उसी को मैंने आदेश में उल्लिखित किया है कि उसी हाइट तक वो ट्रैक्टर ट्रॉली अनुमन्य है। अगर उससे ज्यादा कोई बनाता है, जांच पाए जाने पर, जांच किए जाने के बाद वो फिर गलती मानी जाएगी उसकी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सर गंगा उस पार से मुख्य रूप से जो बिहार से जो लाल बालू आते हैं उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, जो उस पार कुछ और रेट में था पर आने कुछ रेट कई गुना 2 गुना से अधिक हो जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कोई निर्देश उसको भी जारी किया गया है? नहीं, अभी हमारे यहाँ जो डंपिंग कुछ एक जगहों पर सूचनाएं मिली हैं वो डंपिंग बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते। खनन अधिकारी को मैंने कहा है और संबंधित लोकल SDM और CO के लिए भी, पुलिस के लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई डंपिंग करता है इलीगल यानी विदाउट परमिशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैंने यहाँ तक कहा हुआ है कि उनके जो उनका मोरंग है, जो उनका बालू है डंप किया गया, उसको सीज कर लिया जाए और उनके ऊपर हैवी पेनाल्टी लगाई जाए और उन्हें वार्न किया जाए कि फ्यूचर में ऐसा न करें वरना उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। सर इसके अलावा जो है